सर सत्येंद्र पाठक सर श्योपुर से, और आज फिर मैं एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारे साथ में है मैडम आपका शुभ नाम मीरा गर्ग। मैम हम श्योपुर में है जी सर। ओके मीरा मैडम, क्या समस्या थी आपको? मुझे सर्वाइकल कोटा दिखाने एमआरआई करवाई, उसके बाद जो कोटा का ट्रीटमेंट चला था तो उससे मुझे सुस्ती आती थी, और उठने में जैसे सुबह उठने के बाद तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी, कोई पकड़ के ले जाता था। मतलब कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, आपके हाथ का जो है सेंसेशन बना रहता था, मूवमेंट इजी नहीं होता था, नहीं। और जो आपने एलोपैथिक जो भी इलाज लिया उसके परिणाम स्वरूप जो है आपको सुस्ती बहुत रहती थी। सुस्ती बहुत है। ओके और सुबह उठने में भी आपको अनकंफर्टेबल रहता था। ओके कोई पकड़ के ही ले जाता था। अच्छा, पकड़ कर ले जाना पड़ता था। पकड़ के ले जाना। ओके तो ये कब की बात होगी मैडम? ये फरवरी की बात है। फरवरी 2022 15 फरवरी से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। उससे क्या कुछ बड़ा परिवर्तन था? उससे परिवर्तन बस दवाई जैसे लेते थे तो सुस्ती रहती थी, सो जाती थी जी, और फिर बस उठते वो पैन होने लगता था। ठीक है। ज्यादा जैसे सो गए नींद में याद तो रहता नहीं था, तो और ज्यादा दर्द, और ज्यादा दर्द हो जाता था, इधर भी हो जाता था, इधर भी, दोनों साइड कहीं भी हो सकता। ओके फिर आपने फिर मैंने सर से संपर्क करा जी, तो 10 जून मैंने दवाई सेंड की मेरी जी, तो ये SLPS की चली। उसके बाद से मुझे 15 दिन में ही बहुत कुछ आराम हुआ। 15 दिन में ही मुझे, भाई साहब ने मुझसे 18 दिन की बोला था, लेकिन मुझे 15 दिन में ही पता चल गया कि मुझे सुस्ती भी खत्म हो गई और मेरा मन भी मतलब अच्छा रहने लगा, आने जाने का भी मन होने लगा। पहले मुझे कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता था, आने जाने का भी मन करने लगा, घूमने फिरने का भी करने लगा, और काम में भी स्पीड आ गई। डॉक्टर साहब, क्या आउटपुट है आपके हिसाब से ओवरऑल पेशेंट? सर अभी अगर बात करें सर, पिछले जो करीब 2 महीने ट्रीटमेंट जो अपना हुआ उसमें इनको करीब 80% रिलीफ है। 20% थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बात के लिए रह गई है कि अभी कई बार जो है थोड़ा सा ऐसे काम इनके आ जाते हैं जो कि इन्हें करने होते हैं, जो अभी रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन कई बार करना पड़ते हैं, उसकी वजह से ये जो 20% और बचा हुआ है जी, वो इनका भी रह गया है, लेकिन अगले शायद 1 महीने के अंदर ये भी 100% होगा। हमने इस कोर्स में सबसे पहले ऑर्थोडॉग लिया है, थंडर ब्लास्ट लिया है, इम्यूनोडॉग लिया है, और साथ में स्टोन डॉग भी लिया है, क्योंकि आपको स्टोन की प्रॉब्लम भी होगी। उसका साइज भी कम हुआ है पहले जी, पहले से साइज कम। ग्रेट। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा परिवर्तन है, और मैं यही कहूंगा मैडम के यथावत रूप से 2 महीने और आप इस कोर्स को ले, क्योंकि लगभग 4 महीने अगर हम इस कोर्स को चलाएंगे तो मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से अभी परिणाम है हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो परहेज बताए गए हैं उनको ऐसे ही यथावत रखिएगा, और मैं संजीव सर का धन्यवाद देना चाहूंगा।